सुबह सुबह उठ करके ये काम ज़रूर करें, इससे आपका पूरा दिन अच्छा निकलेगा। कौन से हैं वो काम, आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी। हाय, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका मेरे चैनल जज्बा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको मॉर्निंग में जल्दी उठने की हैबिट डालनी है। जितनी जल्दी आप उठ सकते हैं उठिए, अपने आप को कोई सज़ा नहीं देनी है, लेकिन आप ये ट्राई करें कि आप मॉर्निंग में जल्दी उठें। मॉर्निंग में जल्दी उठने के अपने ही ढेरों फ़ायदे हैं, उसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बात करूंगी। बट यहाँ हम बात करते हैं कि सुबह आपको क्या क्या करना है, इसके लिए आप मॉर्निंग में जल्दी उठिए। मॉर्निंग में जल्दी उठने के लिए आपको नाइट में जल्दी सोना होगा। अगर आप नाइट में जल्दी सोते हैं तो मॉर्निंग में जल्दी उठने में आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, हो सकता है कुछ दिन आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, बट अगर आपने इस चीज़ को अपने रूटीन में शामिल कर लिया कि आप नाइट में जल्दी सोने लगते हैं या एक फिक्स टाइम पे सोने लगते हैं, तो इससे आपकी नींद जो है वो मॉर्निंग में खुल जाएगी या फिर मॉर्निंग में उठने की हैबिट आपकी पड़ जाएगी। मॉर्निंग में अगर आप उठने के लिए अलार्म लगाते हैं तो अलार्म बजते ही आप एकदम से मत उठ जाइए, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लीजिए। उठने के लिए आप 2 से 5 मिनट का टाइम ज़रूर लीजिए, क्योंकि जब आप एकदम से उठते हैं, आपका अलार्म बजता है या फिर आपकी जैसे ही नींद खुलती है आप एकदम से उठ जाते हैं, तो इससे आपको हेडेक होने के चांसेस हो सकते हैं। दिन भर में किसी भी टाइम आपको हेडेक हो सकता है। मॉर्निंग में उठने के बाद आपको 2 से 3 ग्लास वाटर ज़रूर पीना है। गर्म पानी आपको सुबह सुबह ज़रूर लेना है। ये आपको डिटॉक्स तो करता ही है, साथ में ये आपको इंस्टेंटली एक्टिव करता है। तो मॉर्निंग में आप जितना पानी पी सकते हैं, जितना आप गर्म पानी पी सकते हैं ज़रूर पिए। अगर आप चाहें तो जीरा पानी ले सकते हैं, अजवाइन पानी ले सकते हैं, सौंफ का पानी ले सकते हैं, या फिर आप लेमन वाटर ले सकते हैं, हनी वाटर ले सकते हैं, बट आपका जो पानी है वो गर्म होना चाहिए। गर्म पानी जो है ये आपके फैट को भी बर्न करेगा। मॉर्निंग में आप ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाएँ, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आप ज़रूर लें। आप चाहे रात में ही भिगो करके रख दीजिए कुछ ड्राई फ्रूट्स, उसे आप किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं, मिल्क के साथ या फिर ऐसे ही आप उसे खा सकते हैं। इसके अलावा आप भीगे हुए चने भी खा सकते हैं। मॉर्निंग में आपको क्या उठ करके खाना है, इस चीज़ की प्रिपरेशन आप नाइट में ही कर लीजिए। मॉर्निंग में ऐसी चीज़ें ज़रूर खाएं जिससे आपको एनर्जी मिले, जिससे आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिले। जो लोग मॉर्निंग में लेट उठते हैं ऐसे लोगों की हेल्थ जल्दी ख़राब होती है। ऐसे लोग अपनी एज से ज़्यादा नज़र आते हैं। ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा या फिर चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है। इसलिए आप मॉर्निंग में जल्दी उठने की हैबिट ज़रूर डालें। 5:30 या मैक्सिमम 6 o'clock तक ज़रूर उठ जाएं। मॉर्निंग में उठ करके अपने फ़ोन को बिल्कुल भी चेक मत करिए। अपने फ़ोन को अपने से दूर रखिए। फ़ोन आपका है और आपके पास ही पूरा दिन रहने वाला है, बट मॉर्निंग में आप इसे अपने से दूर ज़रूर करिए। देश दुनिया में क्या चल रहा है इस चीज़ को आप बाद में भी जान सकते हैं। मॉर्निंग का टाइम आपका है और उसे आपको अपने लिए ही लगाना है। फ़ोन को अपने से दूर रखिए और अपने मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करिए। ऐसा नहीं है कि अपने फ़ोन को अगर चेक नहीं करेंगे तो काफ़ी कुछ छूट जाएगा, छूटने वाला कुछ भी नहीं है। अगर आप फ़ोन को अपने से दूर करते हैं मॉर्निंग में, तो इससे आप अपने आप को डिजिटली डिटॉक्स भी कर पाएंगे, तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। मेडिटेशन ज़रूर करें, आप अपने काम में फोकस कर पाएँ, आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहे, इसके लिए मॉर्निंग में आप मेडिटेशन ज़रूर करें। ये आपके माइंड के लिए काफ़ी अच्छा है, ये आपके फोकस लेवल और आपके कंसंट्रेशन को अच्छा बना के रखेगा। 10 मिनट मेडिटेशन आप ज़रूर करें, स्टार्ट आप 5 मिनट से करें। जितनी देर आप मेडिटेशन कर सकते हैं ज़रूर करें, धीरे धीरे करके इस टाइम को बढ़ाइए। 10 मिनट आप मेडिटेशन करिए और 20 मिनट आप कोई भी वर्कआउट करिए, इतना करना तो मस्ट है। ये आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अच्छा बनाए रखेगा, पूरे दिन आप एक्टिव रहेंगे और अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे। मॉर्निंग का टाइम बेस्ट टाइम होता है और इस टाइम को आपको अपने आप को देना है, इस टाइम को आपको अपने लिए ही लगाना है। इससे आपका माइंड, इससे आपकी हेल्थ और आपका सोल सब कुछ परफेक्ट रहेगा। मॉर्निंग में ग्रीन टी आप ज़रूर लें। ग्रीन टी आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपकी स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा है। ये आपको यंग बनाए रखने में काफ़ी सपोर्ट करता है। अगर आप मॉर्निंग में ग्रीन टी पीना पसंद नहीं करते हैं, अगर आप दिन के किसी भी टाइम पे ग्रीन टी लेते हैं, मॉर्निंग में अगर आप टी या कॉफ़ी लेते हैं, तो टी या कॉफ़ी को आपको खाली पेट नहीं पीना है,
उसके पहले आप कुछ ना कुछ ज़रूर खाएं, कोई भी ड्राई फ्रूट या फिर फ्रूट थोड़ी देर पहले आप ज़रूर लें। इससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी या फिर कोई भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो आपके पास काफ़ी टाइम होता है, ऐसे में आप कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें रीड कर सकते हैं। और जब आप मॉर्निंग में कुछ अच्छी चीज़ें रीड करते हैं तो आप काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं, इससे आपका नॉलेज भी बढ़ता है और आपकी हैबिट भी अच्छी होती है, आप अपने आप को अच्छे से ग्रूम कर पाते हैं और पूरे दिन अच्छा फील करते हैं। तो मॉर्निंग में आप कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़िए, चाहे आप थोड़ा सा ही क्यों ना पढ़ें। अगर आप मॉर्निंग में रीड नहीं करते हैं, आप नाइट में सोने से पहले रीड करना चाहते हैं, तो आप मॉर्निंग में टू डू लिस्ट बनाइए, पूरे दिन आपको क्या क्या काम करना है, जो काम करना है उसकी लिस्ट बनाइए और उस काम को करने में बस लग जाइए। अगर पॉसिबल हो तो टू डू लिस्ट जो है ये आप अपनी नाइट में ही तैयार कर लीजिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको क्या क्या काम करना है ये सारी चीज़ें उसमें नोट डाउन करिए। एक पर्सनल डायरी ज़रूर बनाइए, जो इम्पॉर्टेंट काम है उसे आपको पहले लिखना है और उस चीज़ को आपको पहले करना है। जैसे जैसे आप काम करते जाइए उस चीज़ को टिक करते जाइए, इससे आपके एक एक करके सारे काम हो जाएंगे और वो भी टाइम पर, इससे आपके सारे काम निपट जाएंगे और जो आपका खाली टाइम है उसे आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ये भी आपको समझ में आएगा। जब आपके पास फ्री टाइम होगा तो आप अपनी लाइफ में और कौन सी चीज़ें हैं जो ऐड कर सकते हैं या फिर क्या नया आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएगी।